हेलो दोस्तों, हाउ आर यू एंड माय नेम इज धीरज एंड टुडे आई एम अनबॉक्सिंग ए ओपन 1.5 इंच TFT और इसका जो मॉडल नंबर है वो है 22CH1Q और ये आपकी एसर का ही एक ब्रांड है जिसको एसर प्रमोट करती है, लेकिन ये ए ओपन के नाम से आती है। लेकिन बॉक्स के बाहर आप इसमें एसर की ब्रांडिंग देख सकते हैं क्योंकि इसकी जो आफ्टर सेल एंड सर्विस है वो एसर ही देगा। तो एसर का ही एक ब्रांड है लेकिन ए ओपन के नाम से आता है। तो इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी है। दोस्तों, ये ए ओपन के नाम से आती है, मॉडल नंबर इसका 22CH1Q लिखा हुआ है। फुल HD पे आती है, 1.5 इंच है, 55 सेंटीमीटर पे आती है और जो फुल HD ये रेजोल्यूशन जो लेती है वो आपका है 1920x1080 जिसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन है दोस्तों। और ए ओपन का विजन केयर लिखा हुआ है, ब्लू लाइट शेड लिखी हुई है जो आंखों के लिए बोली जाती है प्रोटेक्शन के लिए, तो इस तरह का लिखा हुआ है, फ्लिकर लेस लिखा हुआ है। चलिए दूसरी तरफ देखते हैं कंपनी ने बॉक्स के बाद क्या लिख के दिया है। दूसरी तरफ भी सब कुछ सेम वही चीज लिखी है। जो मेजर आपको मेरे को दिखाने वाली चीज है मैं आपको दिखा दे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट नेम के आगे एसर LCD मॉनिटर लिखा हुआ है। एसर की ब्रांडिंग आपको दिख रही होगी, प्रोडक्ट टाइप LCD मॉनिटर ही लिख रहे हैं और जो इम्पोर्टेड बाय है मतलब जो चाइना से जो इम्पोर्ट हुआ है वो एसर इंडिया ने ही कराया है और मैन्युफैक्चरिंग इसकी चाइना ही है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप एसर की ब्रांडिंग है, प्राइस इसमें काफी ज्यादा लिखा हुआ है। ये देखिए चाइना ओरिजिनल लिखा हुआ आ रहा है, कंट्री फ्रॉम ओरिजिन चाइना लिखा हुआ है और 7920 रुपये इसकी MRP लिखी हुई है जो काफी ज्यादा है। खैर छोड़िए इस MRP को, अब मैं दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ। ए ओपन के नाम से जो मॉडल नंबर है 22CH1Q लिखा हुआ है, रेजुलेशन लिखा हुआ है, नॉट्स लिखे हुए हैं ब्राइटनेस के, कंट्रास्ट लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल दे रखी है। ब्लैक कलर की आती है, 12 बोल्ट का इसमें अडेप्टर लगा हुआ है 2 एम्पियर का और 1.5 इंच पे आती है, 55 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और LED है। तो आप देख सकते हैं इसमें ए ओपन की तरफ से भी अपनी ब्रांडिंग लिखी हुई है और एसर की ब्रांडिंग भी लिखी हुई है। चलिए दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, मैं फटाफट से इसको खोल लेता हूँ। ये इसके साथ स्टैंड आता है दोस्तों और ये मैनुअल है, ये आपको दिख रहा होगा, मॉडल नंबर लिखा हुआ है, इसमें आपकी डिटेल दे रखी है, आप इसे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और इसमें अडेप्टर आता है, पावर कॉर्ड नहीं है दोस्तों। इसमें अडेप्टर आता है जो 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट लिखा हुआ है, 2 एम्पियर का है, ये नॉर्मल चार्जर है, मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ। और इसकी कॉर्ड इस तरह से है, इसको भी रखते हैं साइड में। ये एक VGA केबल आई है इसके साथ, TFT को खोल लेते हैं। ए ओपन की ब्रांडिंग लिखी हुई है, काफी पतली लग रही है, स्लीक है काफी, पीछे से भी काफी स्लीक मॉडल है। और इसमें दोस्तों जो मेन हाईलाइट चीज है इसमें HDMI पोर्ट आता है, ये देखिए VGA पोर्ट है अडेप्टर के लिए और बटन इसमें यहाँ पर दे रखे हैं जो काफी अलग से एक ऑप्शन दे रखा है इसमें। जनरली TFT के बटन यहाँ पर होते हैं फ्रंट में, इस जगह पे आते हैं क्योंकि एसर की जितनी भी TFTs आते हैं उनके बटन तो यहीं होते हैं। एसर की TFTs, डेल, HP, इसके बटन थोड़े बैक साइड में, थोड़ा सा एक अलग सा एक्सपीरियंस है, यहाँ पर बटन दे रखे हैं। चलिए फटाफट से हम इसे जोड़ लेते हैं। बाकी ये ए ओपन के बारे में और मॉडल नंबर लिखा हुआ है, बाकी आप इसे वॉल माउंट कर सकते हैं, वॉल माउंट के लिए बने हुए हैं स्क्रू के लिए। चलिए फटाफट से मैं इसे असेंबल कर लेता हूँ। इस तरह से इसमें आपको लगाना है और बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, बस इस तरह से लॉक लगाना है। ये लॉक लग गया है और ये आपकी TFT रेडी हो गई है दोस्तों। ये रही TFT, ए ओपन लिखा हुआ है इसमें और इस तरह की लुक है इसकी, आपको दिख रही होगी। ये 1.5 इंच पे आती है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा स्टैंड इसका थोड़ा सा छोटा है क्योंकि जनरली जो 1.5 इंच या 22 इंच से ऊपर जो TFTs आती है उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसकी हाइट थोड़ी मुझे कम लगी। ये थोड़ा सा अगर बड़ी होता तो इस थोड़ी सी इसकी स्टैंड अगर थोड़ा सा भी ऊंचा होता तो इसकी आपको परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगती, हाइट की वजह से बड़ी लगती। उस वजह से बस मुझे एक ही इसमें प्रॉब्लम नजर आई है कि हाइट थोड़ी सी बेस की कम है स्टैंड की। बाकी पीछे से लुक मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ इसकी, ये देखिए आपको पीछे से पूरी लुक दिख रही होगी। ये VGA पोर्ट आ रहा है, ये HDMI पोर्ट है जो मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ, ये रही। और ये बटन आपको दिख रहे होंगे, ये बटन इसके ऑटो मोड है, प्लस माइनस है, मेन्यू है, पावर का बटन यहाँ पर है, ये बटन इस तरफ दे रखे। और ये तो खैर सीरियल नंबर्स हो गए और आप इस पे वो लगा सकते हैं, वॉल माउंट हो सकती है,
से लुक इसकी ऐसी है, पतली सी है बिल्कुल, और थोड़ा सा ये लाइनिंग दे रखी है, और ए ओपन लिखा हुआ है। दोस्तों मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, इसे ऑन करके देखते हैं। और इसका बटन ये बैक साइड में पीछे, इसको मैंने ऑन कर दिया, ग्रीन लाइट यहाँ जल गई है, ए ओपन लिखा हुआ आ गया। मैंने इसे HDMI पे कनेक्ट किया है। दोस्तों ये इसकी परफॉर्मेंस आपको दिख रही होगी, जो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, आपको क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लगेगी। थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी लग रही है। बड़ी स्क्रीन है तो काफ़ी फॉन्ट्स बड़े बड़े हैं, प्रॉपर क्लियर पढ़े जा रहे हैं। अगर मैं जैसे मैं इसमें वर्ड खोलता हूँ, देखिए आपको परफॉर्मेंस दिख रही होगी, ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े क्लियरली दिख रहे हैं। स्क्रीन साइज अच्छा है, 21.5 इंच है। ये देखिए, ये इसमें ऑटो का बटन है जो मैंने दबाया इस टाइम पे, तो ये ऑटो लिखा हुआ आ गया, क्योंकि HDMI पे है तो वो ऑटोमेट सेंड चेक कर रहा है कि HDMI पोर्ट है या नहीं है। तो थोड़ा सा बटन्स अगर आगे को होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि पीछे से देख देख के आपको आगे देख देख के करने होंगे, तो बेसिकली इस हैंड से आप कर सकते हैं इस तरफ से। तो बस ये एक प्रॉब्लम है इस सेट में, बाकी तो ये सब सही है। तो मैंने इसको VGA मोड के साथ जोड़ दिया, मुझे थोड़े से इसमें कलर्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं VGA पोर्ट में, क्योंकि मैं HDMI में देख रहा था, थोड़ी वाइटनेस ज़्यादा लग रही थी, ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा लग रहा है इसमें भी, परफॉर्मेंस ठीक है इसकी, क्वालिटी ठीक लग रही है, कलरिंग भी ठीक है। अगर आप इस पर कोई मूवीज या वो देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। 21.5 इंच TFT की ओवरऑल रिव्यू, और ये दोनों ही पोर्ट पे आती है, आपकी VGA पोर्ट और HDMI पोर्ट दोनों ही है इसमें। और इसमें जो बॉक्स के अंदर आती है वो खाली VGA पोर्ट केबल आती है, लेकिन HDMI केबल आपको अलग से परचेस करनी पड़ेगी, बॉक्स के अंदर नहीं आती है। और ये अडेप्टर बेस्ड है, क्योंकि ये अडेप्टर पे चलती है दोस्तों, और पावर कॉर्ड नहीं है इसमें, 12 वोल्ट का अडेप्टर है इसमें। और ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इसे HDMI केबल पे और VGA पोर्ट पे दोनों ही यूज करके देखा, मुझे परफॉर्मेंस दोनों की एक जैसी लगी, अच्छी लगी, और काफी अच्छी TFT है, कम प्राइस पे आती है। अगर आप 21.5 इंच में सबसे सस्ती TFT शायद यही अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और आप देख सकते हैं इसको, परफॉर्मेंस अच्छी है, साइज बड़ा है, और आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है अगर आप प्राइस में देखा जाए तो, क्योंकि एसर से भी वो प्राइस में कम है थोड़ी सी, अगर आप एसर की TFT से कंपेयर करेंगे। और एसर का प्राइस से अगर देखा जाए तो थोड़ी सी आपको बेटर परफॉर्मेंस भी मिल सकती है, सस्ती मिल जाएगी, VGA पोर्ट भी मिल रहा है और HDMI भी मिल रहा है, क्योंकि प्राइस VGA पोर्ट और HDMI वाली केबल का साथ जो प्राइस आता है हमेशा वो ज़्यादा हो जाता है TFT का, तो इसलिए ये उस हिसाब से तो सस्ती है TFT अपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से 21.5 इंच में। तो इस तरह के मेरे रिव्यूज और भी आते रहेंगे, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज को लाइक कीजिए।